लोकसभा में सांसदों के शपथ लेने की प्रक्रिया में कल दिन भर कई ऐसे वीडियो सामने आए जिनसे विवाद हुआ। इसके बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से विवादित बयानों और नारों को हटा दिया गया। इसी बीच बिहार के पूर्णिया से जीते पप्पू यादव भी शपथ लेने संसद पहुंचे। ऐसे में उन्होंने भी नारेबाजी करने की कोशिश की तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें रोका। ऐसे में पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ निशाना साधते हुए कहा, मैं 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे सिखाएंगे। शपथ लेने पहुंचे पप्पू यादव अपने गले में #रीनीट की तख्ती लटकाए भी नजर आए। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार से की और पप्पू यादव ने मैथिली भाषा में शपथ ली। अपनी शपथ के अंत में उन्होंने धन्यवाद बोलते हुए नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की। उन्होंने सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने उन्हें नारेबाजी रोकने को कहा तो पप्पू यादव ने कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे सिखाएंगे। और इसके आगे पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, आप कृपा पर जीते होंगे, मैं निर्दलीय जीता हूं। पप्पू यादव बोले, मैं 4थी बार निर्दलीय चुनाव जीतकर यहां आया हूं। प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा के सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य निष्ठा ओ श्रद्धा राखब, जे हम भारतक संप्रभुता ओ अखंडता अक्षुण राखब आओर जाहि पद पर हम बैसे वाला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामना। जानता हूँ आप बहुत ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट MP फॉर द टाइम जो नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए।